नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बुजुर्ग बेवा महिला की बुजुर्ग की आराधी संख्या एक मौजा। नौरैया खेड़ा तहसील कानपुर सदर पर भूमाफिया भाजपा नेता पवन सविता दिल्ली अवस्थी चुबरन गाली गलौज करते हुए कब्जा कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम भूमाफिया पवन सविता धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही पार्टी की छवि को गंदा करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि शहर के कप्तान को भूमाफियाओं की खुली चुनौती मिल रही है और तो और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के सामने ही भूमाफिया पवन सविता भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। साथ ही संवाद सूत्रों की माने तो भूमाफिया पवन सविता अपने आप को शहर के एक विधायक का करीबी बता रहे हैं। बड़ी बात तो ये सामने आई है कि भूमाफिया पवन सविता द्वारा कवरेज करने गए पत्रकार से भी अभद्रता व गाली गलौज करी गई है। साथ ही भूमाफिया भाजपा नेता पवन सविता के बोल ये हैं कि मैं तो सत्ता पक्ष का हूँ, कब्जा तो करूंगा ही। बड़ा खुलासा तो ये है कि भूमाफिया दिल्ली अवस्थी खुद को अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि यहाँ गांजे की फैक्ट्री है, यहाँ पर गांजा पिया जाता है। इतना ही नहीं, भूमाफिया पीड़ित आशीष मिश्रा को जान से मारने की धमकी देते हैं और तो और अपनी हनक के चलते कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली अवस्थी कब्जेदारों से किराया भी वसूलते हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को न्याय मिलेगा या इसी प्रकार से हर जगह सत्ता की हनक बरकरार रहेगी। पीड़ित आशीष मिश्रा के साथ कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। क्या दो देंगे, जमीन दे दी सर में उतरे हैं, हमारे काम में रोक लगा है। कौन बुलाया, कौन गाली दे रहा हूं? हम गाली दे रहे हैं? किसको गाली दे रहे? किसको गाली दे रहे हैं? कौन रोका यहाँ? किसको गाली दे रहे? तुम्हें गाली दे रहे बताओ, तुम हमको भर बुलाया पुलिस वाले को, हमारी जगह बहुत चद्दर उड़ गई, कल परसों क्या घुमानी पड़ेगी? तुमको गाली दे रहे, रोका किसने यहाँ? तुमको रोका किसने यहाँ? बना रहा है यार, मैं कह रहा हूं तो भी बात है, तुमको गाली दी गई, रोका किसने? रोका किसने गाली हमको? मौके रोका किसने यहाँ? जिसकी जमीन है वो रोके, कौन जमीन है बोला उसको, जिसकी जमीन है आराम पर मिलिंग बैठो, लेकिन हम ही लोग को रोकोगे, हमको थोड़ा रोक लोगे यार तुम? आप लोग के सामने गाली गलौज हो रही थी, तभी तो रोका, तभी तो हम रुक गए, ये है गुंडी, तभी तो हम रुक गए। अभी यही एक चीज आ जाए, अभी यही चीज भूमाफिया में आ जाएगी, अभी इसी में एक चीज और जो तो सत्ता पक्ष के लोग नेता नगरी करके दूसरी जमीन खा जाओगे, आप यहाँ बहस दो हमको ज्ञान देना, तुम कायदे में, तुम कायदे में थोड़ा तो हमको ज्ञान देना, धीरे लिमिट उन्होंने कहा नहीं करना, हमने रोक दिया काम खत्म, अब ये थोड़ी लगी तुम क्यों मठा जी ज्यादा पैदा होगा ना, मठा दी जाएगी, ये जो निर्माण अब कोई किसी प्रकार नहीं बने, गिरना है गिरने को, जमीन का जब तक निजी मालिक कोई नहीं साबित करेगा तब तक कोई नहीं माने, ठीक तो जरूर हम लोग पहले ही मान रहे हैं, नहीं ये टीम जो डाले उसको तो हटाना ही पड़ेगा, जो डाल इसके बाद नहीं पड़ेगा, क्या हटा देंगे, नहीं इनके सामने पड़ी, ये पहले पड़ी, नहीं नहीं ये पहले पड़ी, नहीं इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको तो हटाना पड़ेगा, पहले अभी छह सात चिलम भैया मिली यहाँ, छह सात चिलम बहुत पुरानी गांजा तो खरीद चौरा, बहुत पुरानी भैया, नहीं गांजा तो चौराहे का मान लेंगे क्योंकि गांजे का तो ये फैक्ट्री है, नहीं चौराहे केवल गांजे ही तो 24 घंटे चलता है, ये बात तो मान लेंगे तुम्हारी, बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये जमीन जो है MIG तिराहे पर गाटा संख्या एक नौरैया खेड़ा, ये मेरी पैतृक जमीन है, इस पर दिल्ली अवस्थी जो कि ट्रैक्टर से अतिक्रमण करते ही चले जा रहे हैं और दूसरों को बसाते जा रहे हैं, उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, आज इन्होंने 12-13 चदरें मंगाई, ऊपर इसको प्लांट करने लगे, जिनका साथ देते हैं पवन सविता जो कि मैथानी जी के जनप्रतिनिधि अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि मैं कब्जा करूंगा। मैंने उनसे पूछा, भाई पेपर मेरे पास है, मेरे सारे पेपर चेक हो चुके हैं, सारी चीजें हैं, कह रहे हैं मैं कब्जा करूंगा, सत्ता पर रहकर ये भी नहीं कर पाया तो कुछ नहीं, और भद्दी भद्दी गालियां इन्होंने दी हैं, इतनी गालियां दी हैं, हमारे बड़े भाई साहब वहां पे थे, मैं नहीं था वहां पर, इन्होंने इतनी गालियां दी और जबरदस्ती टीन ऊपर वहां पे इन्होंने डलवा दी, उसके बाद भाई साहब ने डर के 112 नंबर पे फोन किया, 112 नंबर पे पुलिस है, उनके सामने इन्होंने गालियां दी, वो दोनों पुलिस वाले गवाह हैं, उसके बाद थानाध्यक्ष महोदय आया, उनसे मैंने कहा कि साहब देखिए तो टीन पे टीन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं बढ़ेगी, हमने कहा फिर ये जो बढ़ गई है इसका क्या होगा, तो बोले इसके लिए आपको ऊपर जाइए प्रशासन पे जाइए,
वहां से ऑर्डर लाइए तब इसका डिमोलाइजेशन करेंगे। मेरे पेपर भी थानाध्यक्ष महोदय सब चेक करा चुके हैं, चौकी इंचार्ज चेक करा चुके हैं, और यहां पर इन्होंने ट्रैक्टर से बना बनाकर एक कमरे टाइप के बना रखे हैं जहां पर गांजा पूरे दिन गांजा पिया जाता है, पूरे दिन गांजा पिया जाता है। ट्रक वाले आते हैं, गंदे गंदे आदमी आते, गंदी गंदी गालियां, आसपास मोहल्ले वाले तक परेशान हैं इन लोगों से, अड्डा बना दिया इन लोगों ने इसको पूरा। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई कि मैं अपने काम से जा रहा था, मेरे बड़े भाई साहब थे वहां पर, इन्होंने टीन मंगवाई वहां पर और टीन मंगवा के छाने लगे। भाई साहब ने उसका जब विरोध किया, उन्होंने भाई साहब को माँ बहन की इतनी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, तब उन्होंने 112 नंबर पर फोन किया। जब वहां पे पुलिस है उनके सामने उन्होंने गाली गलौज करी और टीन छाने लगे और इतने हावी हो गए, परमानेंट 50-60 आदमियों के साथ रहते हैं। ये जो पवन सविता हैं, ये अपने आप को जिला भाजपा जिला महामंत्री पता नहीं क्या बताते हैं और मैथानी साहब के विधायक जी के जनप्रतिनिधि बताते हैं, और आए दिन 50 लड़कों के साथ वहां गाली गलौज, और इनका यही काम रह गया है। और मैंने आज बोला कि जब मैंने पेपर दिखा रहा हूं तो मैंने कहा आपके पास कोई पेपर है? कह रहे मेरे पास कोई पेपर नहीं, मैंने कब्जा किया है, मैं यही काम करता हूं। इस तरह की उनकी भाषा से। इस जमीन से संबंधित कोई साक्ष्य है आपके पास? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सन 36 से लेकर जब से हमारी ये जमीन है मैं इस पर काबिज हूं, मेरी जमीन है ये, मेरी पैतृक जमीन है ये, मेरे पास तब से लेकर आज तक के सारे साक्ष्य हैं। सारी खतौनियों में हमारे बाबा पुरखों को और आज के प्रेजेंट की डेट में हमारा मेरे भाई का नाम आ रहा है। चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? मुझे ये मेरी जमीन को किसी तरह से खाली कराए, नहीं तो इस जमीन पर ये लोग किसी ना किसी दिन कोई ना कोई ऐसा बवाल हो जाएगा कि जिसकी हम मेरी जान माल का कुल मिलाकर खतरा है, क्योंकि आए दिन इनकी गाली गलौज, आए दिन गाली, इनका बस यही रहता है किसी तरह से इनसे झगड़ो, लड़ाई करो, इनको मारा पीटी करो, इनका बस एक मोटिव यही रहता है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, इतने बुजुर्ग हैं, उनको माँ बहन की गाली आज इन्होंने दी।